ये है वर्ल्ड का फास्टेस्ट फोन। पेपर के ऊपर आईफोन, सैमसंग जितने भी फोन है ये उन सबसे ज्यादा तेज है। ASUS के हमने सारे ROG फोन ट्राई करके और हर बार स्मार्टफोन के अंदर अलग अलग टाइप की एक्सेसरी, कभी गेमिंग ट्रिगर आ रही है, कभी डिस्प्ले में कुछ नेक्स्ट लेवल हो रहा है, कभी स्पीकर बहुत पड़ रहे हैं, और हर बार कुछ नेक्स्ट लेवल हो चुका है। इस फोन के बारे में आपको सारी चीजें बताता हूँ और एंड में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन और जो स्पेशल स्पेशल चीजें वो भी बताऊंगा। तो भाई तेजी से अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स काफी अलग सा, पिछली बार से लंबा था, इस बार ऐसे ट्राइंगल ऐसे निकलता, ये साइड में निकल के आ रहा था। ये ऊपर डब्बा है, काफी मतलब रिसाइक्लेबल पेपर उसकी जैसा लग रहा है। यहाँ पे एक इमेज एक्टिव है, ये पूरा गेमिंग वाला है, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिखा हुआ है। ये हमारा थोड़ा आधा कट केस, आपको जो ये छेद क्यों है ये जब फोन को देखोगे आपको पता चल जाएगा। बट भाई टाइम आ गया है अंदर खोलने का। ये हमारा स्मार्टफोन, ओ भाई काफी अलग, एक सेकंड में दिखाता हूं इसको। ये ज्यादातर फोन के लिए बड़ी बात है, बड़ी वाला फोन होती है ब्रेडेड केबल, ब्रेडेड जिन लोगों ने पता है इसे कपड़े वाली फिनिश होती है, और उसके साथ एक चार्जर मिलता है। ये वाला 30 वॉट का चार्जर है, बट एक्चुअली फोन 65 वॉट तक सपोर्ट है। ओ भाई ये क्या है, ये भाई फोन के पीछे लगेगा, पिछली बार से काफी अलग सा लग रहा है, बट इसको रखते हैं भाई साइड में। ये है ASUS का नया ROG 7 Ultimate, व्हाइट कलर का, ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रूपर वाला डिजाइन होता है ना, गाड़ी आती है ब्लैक व्हाइट फिनिश, वैसी टाइप फील दे रहा है। सबसे पहली चीज आप इसकी लुक देखोगे, डेफिनेटली ये गेमिंग फोन दूर से ही देखने में पता चल जाता है। और अगर मैं आपको स्पेक्स पढ़ के बता दूं, आपको लगेगा किसी गेमिंग लैपटॉप के बता रहा हूं। स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 है, उसके साथ साथ 16 GB की रैम DDR5X, 512 GB UFS 4.0 स्टोरेज, फ्रंट में 6.78 inches का 1080p 165Hz का AMOLED डिस्प्ले है, 6000 mAh की बैटरी है, और 2 USB पोर्ट है, एक साइड में और एक नीचे। तो भाई पेपर पे दिखने में डेफिनेटली ये वाला स्मार्टफोन कमाल कर रहा है। बट देखो हर चीज सही नहीं भी है, और उसी से हम स्टार्ट करते हैं, वो है कैमरा। ROG फोन की जितनी भी सीरीज है उसमें कैमरास बस लगा दिए जाते हैं। एक बेसिक स्टैंडर्ड कैमरा होता है, आपको डिसेंट फोटोज खींच के दे देता है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कैमरे में काम नहीं कर जाता, ना फ्रंट कैमरे में ना बैक साइड वाले कैमरे में। एक 50 MP प्राइमरी कैमरा, 13 MP वाइड एंगल और 8 MP का मैक्रो, और उसके साथ साथ फ्रंट में एक 32 MP सेल्फी कैमरा भी है। बैक साइड से एक्चुअली हमने फोटोज खींची, अभी मैं अगर आपको खींच के दिखाऊं तो ये वाली बिंकी की फोटो है। इसमें जो कलर्स हैं वो ज्यादा सैचुरेटेड है, हल्की सा ब्लरी हुई है इमेज, और ओवरऑल जो फील है वो डिसेंट है। कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी गिम्बल कैमरा, 100x जूम, कुछ भी ज्यादा नहीं करा गया, एक बेसिक स्टैंडर्ड कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है। बट एक चीज मेरे को एक्चुअली काफी इंप्रूव हुई, वो है HDR। ये गेमिंग फोन के हिसाब से भाई ये काफी मतलब हरियाली, लाइट वाइट सारी चीजें काफी अच्छे से बैलेंस कर लेता है। ये फोटोज भी जैसे आप देख रहे हैं इसमें भी भाई जो लाइट एरियाज हैं और जो डार्क एरियाज हैं दोनों को अच्छे से बैलेंस कर रखा है। और ये कुछ फोटोज हैं जो हमने इस फोन से ली है बैक साइड वाले कैमरे से, आपको हर सिचुएशन में डिसेंट फोटोज आके दे देगा। और सेल्फी भाई अभी अच्छी लाइट में ले लेते हैं, सेल्फी में भी डिटेल आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। बट ओवरऑल स्किन टोन, जो डायनेमिक रेंज है, और एक फ्लैगशिप वाला जो एक्सपीरियंस आप एक्सपेक्ट करोगे कैमरे के अंदर, वो इसमें डेफिनेटली मिसिंग है। बट मैं एकदम सीधी सीधी चीज, कैमरा गेमर्स कम यूज करते हैं ऐसा माना जाता है इंडस्ट्री में, बट बेसिकली गेमर्स परफॉर्मेंस के लिए अपना स्मार्टफोन ज्यादा यूज करते हैं, तो कैमरे में थोड़ा सा अगर कम भी रह जाता है तो एडजस्ट कर लेते हैं। इस वाले स्मार्टफोन को गेमर के लिए ही बनाया गया, तो गेमर जिन चीजों को कम यूज करेगा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, पर जिस पे यूज करेगा उसमें भाई सब कुछ जो हो सकता सब डाल दिया। साइड में भी पोर्ट है, नीचे की साइड भी पोर्ट है, अब अगर दोनों में तार लगा के मैं चार्ज करूंगा तो क्या होगा, एक ही पोर्ट से चार्ज होता है। और जो एक्चुअली तेज वाला पोर्ट है वो नीचे नहीं है, वो साइड वाला पोर्ट है, नीचे वाला USB 2.0 और साइड वाला USB 3.1 है। बाकी जो डिजाइन है वो काफी हद तक स्टैंडर्ड है, राइट साइड में पावर वॉल्यूम बटन है, ऊपरी साइड में माइक्रोफोन, लेफ्ट साइड में एक सिम इजेक्टर है, इसको निकाल के भी अगर मैं बताऊं तो इसमें डुअल सिम आपको मिल जाती है, और यहाँ पे छोटा सा एक रबर का बैंड आपको मिल जाता है, और ये बेसिकली IP54 रेटेड है। इसमें हेडफोन जैक भी मिल रहा है जो किसी भी फ्लैगशिप के लिए बड़ी बात है, बट मैं बता रहा हूँ गेमर के लिए कोई कंजूस नहीं। जो ओवरऑल डिजाइन है भाई, ऊपर की साइड पे गेमिंग ट्रिगर्स हैं, बैक साइड पे भाई एक पूरी स्क्रीन लगा रखी है, और यहाँ पे एक सीक्रेट दरवाजा लगा रखा है भाई, ये एक्चुअली इस एक्सेसरी के साथ खुलता है, तो भाई गेम खेलेंगे तब सारी चीजें यूज करेंगे। बट भाई जो पूरी लुक है, यहाँ पे ROG लिखा है, नीचे की साइड 07 है, यहाँ पे लाइन बन रखी है, दिखने में भाई एक पूरा ही गेमिंग स्मार्टफोन है, चाहे आप पास से देखो दूर से। और अगर गेमर के हिसाब से आप सोचोगे तो भाई भारी हट्टा कट्टा स्मार्टफोन है, बट एक नॉर्मल यूजर के हिसाब से अगर आप सोचा तो भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और ऑफकोर्स बड़ा स्मार्टफोन है तो बैटरी भी बड़ी मिलती है, लेफ्ट साइड राइट साइड 2 बैटरी इसके अंदर लगा रखे हैं, जो अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी बन गया। 3000 mAh की बैटरी यहाँ पे, 3000 mAh की बैटरी यहाँ पे, तो बीच वाले के अंदर पूरा प्रोसेसर और पूरा MCU लगा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा केस बीच में से खाली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स बड़ी सी स्क्रीन है, और अगर कुछ भी कूल करना है तो आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए जगह भी छोड़नी पड़ेगी। मैं सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ, ये इस वाले फोन में एक तार में नीचे डालता हूँ, एक तार में साइड में डालता हूँ, चार्ज होने लगा भाई ऑटोमेटिक।
अपना ही पावर बैंक बन गया भाई, एक्चुअली दिखाता है चार्जिंग, बट ये करोगे तो बैटरी ज्यादा देर से कम होगी। अभी तक हमने जितने भी स्मार्टफोन ट्राई करें, इसमें अभी तक का फास्टेस्ट डिस्प्ले, ऑफकोर्स भाई 1080p डिस्प्ले है, काफी सारे फ्लैगशिप में 2K डिस्प्ले आते हैं, बट कोई भी इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता है। और आपको लगेगा भाई 120Hz में 165Hz में आंखों में क्या ही फर्क पता चलेगा, आंखों को भी उंगलियों को दोनों को फर्क पता चलता है, बट जब आप गेम खेल रहे हो जिसमें गोली गोली से एम करना है तो डेफिनेटली सारा फर्क पता चलता है। और डिस्प्ले भाई ब्राइट है, वाइब्रेंट है, 1500 nits ब्राइटनेस है, नीचे ऊपर की साइड पे बेजल्स है, और इससे बेटर दिखने वाले डिस्प्ले, उससे शार्पर डिस्प्ले मिल जाएंगे, बट गेमर को तेजी चाहिए तो गेमर को तेजी दे दी गई है 165Hz। नीचे की साइड ऊपर की साइड दोनों साइड स्पीकर है, और हर बार हम ROG के स्पीकर्स ट्राई करते हैं और हर बार हम काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। भाई मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, काफी सारे ब्लूटूथ स्पीकर्स आते हैं, उससे बेटर स्पीकर्स सुनाई देते हैं मेरे हिसाब से। भाई ROG फोन में मोटी मोटी ऊपर नीचे बेजल मिल जाती है, बट जो आवाज है उसमें कोई कटौती नहीं। बैक साइड में स्क्रीन है, उसमें भाई अलग अलग ये म्यूजिक प्ले होगा तो अलग अलग एनिमेशन आता रहता है, थोड़े नोटिफिकेशन आते हैं, बैटरी वाली परसेंटेज आते हैं, और छोटे छोटे यूजेस होते हैं, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा मसाला है, बट भाई ऑफ कोर्स सारी चीजें बढ़िया, बट गेम खेलेंगे तो इसको लगा के खेलेंगे। इसमें एयरो एक्टिव कूल लग गया है, बैक साइड में बड़ा सा पंखा, ऊपर RGB लाइट लगा रखी है, अंदर की साइड भी RGB लाइट है, यहाँ पे एक बटन है, ऊपर एक बटन है, दोनों साइड चार बटन से, और इसको अगर आप ऐसे खोलोगे तो ये एक स्टैंड बन जाता है, तो उसपे रख के आप ऐसे गेम वेम खेल सकते हो। और इसमें ये पोर्ट ढक देता है, ऊपर साइड पावर बटन ढक देता है, तो ये एक्चुअली पावर बटन बन जाता है, तो अगर आप ऐसे ऐसे करके खेल रहे हो तो आपका हाथ नहीं अटकेगा। और छोटी छोटी चीजें जो गेमर्स के बारे में सोची गई है, जैसे अगर आप खेल रहे हो गेम, यहाँ पे हेडफोन जैक में आपकी उंगली अटकेगी, और नीचे USB टाइप सी का पोर्ट भी है। ये वाली एक्सेसरी जो आप गेम खेलोगे 4-5 FPS बढ़ाने के लिए एक बड़ा सा कूलर लगाया जाता है। बेसिकली थोड़ी छोटी चीजें जो एक गेमर को चाहिए हो सकती है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा गया। 5 FPS की कीमत तुम क्या जानो, मतलब नॉन गेमर बाबू। तो गेम खेलते टाइम भाई बैक भी गर्म हो जाते हैं और फ्रंट में थोड़ी स्क्रीन भी गर्म हो जाती है, तो अगर आप ज्यादा टाइम के लिए गेम खेल रहे हो स्क्रीन को भी ठंडा रखते हैं, वो ना एक्चुअली 40 डिग्री तक चले जाते हैं, काफी गर्म हो जाते हैं, बट ये वाला अगर आप लगा के रखो 30 डिग्री के ऊपर नहीं जाता। जो साइड्स भी हैं जो मेटल की हैं वो भी गर्म होती है, और एक खाली ठंडा करने के लिए इसके अंदर एक बिल्ट इन स्पीकर है, एक सबवूफर है, तो जो आप इस पे गाना बजाओगे गाने की वॉल्यूम और बेस भाई बढ़ जाता है। मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ये स्पीकर स्मार्टफोन के स्पीकर छोटे छोटे होते हैं, इसके स्पीकर को आप ब्लूटूथ स्पीकर से और लैपटॉप के स्पीकर से कंपेयर कर सकते हो, और ये ज्यादातर को बीट कर देगा। भाई अब आ गया टाइम गेम खेलने का, भाई इसमें ऑफकोर्स भाई नीचे का आप स्क्रॉल करोगे गेम जी नहीं मिल जाता है, इसमें आप मैक्रो सेटअप कर सकते हो, वाइब्रेशन, एयर ट्रिगर्स, रिकॉर्ड, स्पीड अप, एज टूल, जितने फीचर आप बोलोगे सारे फीचर मिल जाते हैं, नेविगेशन, ब्लॉकिंग, अलर्ट्स, क्लॉड, ये सब बढ़िया काम करते हैं। एक पैनल और खोलोगे उसमें अलग अलग और पैनल। भाई सेटिंग्स में अगर दिखाओ, मैं ऑफकोर्स भाई मैक्स सेटिंग में सारी गेम चलेंगे, 90 FPS पे लाइट भी चला सकते हैं, मैक्स पे अल्ट्रा भी चला सकते हैं। गेम खेलते टाइम भाई एक चीज तो फील होती है, जब भी मैं गोली मार रहा हूँ ना बैक साइड में वो गोली का बेस फील हो रहा है, ये मेरे को और किसी भी स्मार्टफोन में नहीं फील, काफी डिफरेंट है। कहाँ गए, ओहो कहाँ मार रहे हो, ओहो भाई पिटे। इसमें सारी चीजें जो आप एक्सपेक्ट करोगे यार, एक गेमिंग स्मार्टफोन के हिसाब से भाई तगड़ा बना रखा है, मतलब जो वाइब्रेशंस भी हैं आवाज के अंदर भाई बेस भी आ रहा है, गोली की आवाज के अंदर बेस आ रहा है, भाई मेरे हाथ काफी बड़े हैं और मेरे हाथ के लिए भी ये फोन अच्छा खासा बड़ा लग रहा है। और आप देखोगे कहीं पे भी कोई भी लैग या डिले नहीं देखने लगे। देखो मैं एकदम सीरियस से बात, पेपर पे डेफिनेटली भाई सबसे तगड़ा स्मार्टफोन है, इसका बेंचमार्क भी Antutu पे 13 लाख प्लस है। अगर आप एक्चुअली खाली CPU परफॉर्मेंस देखो तो iPhone इससे थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है, और जो एक्सपीरियंस है बड़े बड़े स्पीकर्स का, बड़ी स्क्रीन का, भारी भरकम बैटरी का, ऊपर पोर्ट, इवेंट वेंट, ये सारी चीजें लगा के इन सब की वजह से कंबाइंड मजा आता है गेमिंग के अंदर, वो इसी स्मार्टफोन में ज्यादा। ऊपर की साइड में इसमें एयर ट्रिगर्स हैं, ऑफ कोर्स भाई कस्टमाइज कर सकते हो, दबा के, स्लाइड करके, आप टिल्ट करके फोन को भी यूज कर सकते हो। बैक साइड में वो चार बटन है भाई, इनको भी आप गेम में यूज कर सकते हो, रीलोड करने के लिए, गोली मारने के लिए, जिसके लिए भी। और प्लस गेम्स में भी इस वाले स्मार्टफोन के अंदर रेट रेसिंग है, तो मतलब शैडो वाडो में अच्छा सा लगेगा, बट काफी सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो फ्यूचर में ही काम है। लाइट्स बैक साइड वाली कस्टमाइज करते हो, रंगीन बनाना, जो कलर आपके रूम का वो कर लो। ये जो एक्सेसरी को जो आप लगाते हो ना तो ये वाला पार्ट खुल जाता है, इसके अंदर के वेंट बाहर आ जाता है, तो इसमें हवा जाती है, बहुत तेजी से कूल करता है, इसको मेंटेनेंस मोड में आके ऐसे खोल सकते हो खुद। और अंदर आप देखोगे भाई थोड़े वेंट दे रखे हैं कॉपर वाले, कभी ज्यादा गर्म हो जाए आपके ऐसे वाला है नहीं, मेंटेनेंस मोड खुले। आपको अगर ड्यूरेबिलिटी की कोई दिक्कत लग रही हो तो एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग है, मेरी उंगली को बैलेंस कर लेता है, मैं भाई काफी टाइट से भी अगर दबा रहा हूँ तब भी ये बंद नहीं हो रहा। इस वाले स्मार्टफोन में गेमर्स के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, बैक साइड में भाई पूरे एक वेपर चेंबर जो एक्चुअली काफी ज्यादा फास्ट कूल करता है, Wi-Fi 6E है, Wi-Fi 7 का सपोर्ट है जो राउटर में भी नहीं है अभी। बड़े गेमर को खुश करने के लिए किस हद तक जाया जाता है।